महाभारत पर बड़ी लंबी चर्चा हुई, वाल्मीकि रामायण पर बड़ी चर्चा हुई, जिनका ये काम है उनमें से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। ये हम लोगों का काम नहीं है, हमारी क्षमता से बड़ा काम है। हर्ष चरित में ये है, हर्ष कहता है कि ये मेरे पिता के समय, जय नाम है इस ग्रंथ का, 1000 श्लोक थे, मेरे समय में 10,000 हो गए, इसका नाम भारत हो गया। और ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक गधे के बराबर बोझा हो जाएगा। उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की महाभारत में 40,000 श्लोकों का अंतर है। 40,000 ज़्यादा हैं, किसी ज़्यादा तब होंगे जब बढ़ाए गए, तो ये प्रमाणिक नहीं हो सकता, इसका कहा हुआ कुछ प्रमाणिक नहीं है। और गीता इसी का हिस्सा है, अगर महाभारत में मिश्रण है तो गीता कैसे बच जाएगी? ये बहुत विवाद का विषय है, ये आचार्यों का विषय है। मगर फिर हम तय कैसे करेंगे? तय करने का एकमात्र आधार हमारे पास, जो हमें सांस्कृतिक आधार मिलता है, वो वेद है, और वो लिखा नहीं जा रहा। अगर ऐसे होगा तो जो आज कहा जा रहा है 50 साल बाद, 100 साल बाद छठा वेद निकल आएगा, 7वां निकल आएगा इसके। और ध्यान रहे, संस्कृत का जो आखिरी बड़ा आचार्य है, पाणिनि कहते हैं कि मेरे समय में वेद के अर्थ विलुप्त हो रहे हैं। उस काल में भी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर है। वैदिक संस्कृत के अर्थ करने वाले, जानने वाले लोग नहीं बचे हैं। ये उब्बट महीधर जिन्होंने नाश कर दिया वेदों का, इनको कोई अधिकार नहीं ये करने का। बहरहाल ये तथ्य थे मैंने रखे, आप इसे माने ठीक, नहीं माने ठीक। मुझे विषय दिया गया कि उर्दू भारत की भाषा है, और ये भारत से कैसे अलग कर दी गई? हिंदुओं की भाषा हिंदी, उर्दू मुसलमानों की भाषा कैसे बना दी गई? मुझे 20 मिनट चाहिए कम से कम। कारण ये कि ये लगभग 1700 से लेके 2024 यानी 325 साल का इतिहास रखना है, 20 मिनट में कैसे होगा? एक एक घंटे के कम से कम 6 सेशन मिलने चाहिए, तब बात हो। मैं बहरहाल को संक्षेप में बात करता हूँ। आम भारतीय ये मानता है कि जो हमारी ओरिजिनल हिंदी है उसमें फारसी के, तुर्की के, अरबी के लफ्ज़ डाल के उर्दू बना ली गई। पाकिस्तान के लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, मैं अपने हिसाब से हिंदी बोल रहा हूँ, वो उसे उर्दू समझ रहा है, ऐसा कैसे है, उसका कारण क्या है? तो मैं कुछ चीज़ें आपको, और ये ध्यान रहे, उर्दू लफ्ज़ तुर्की का है, हिंदी लफ्ज़ फारसी का है, इनमें से दोनों कोई लफ्ज़ भारतीय उपमहाद्वीप के नहीं हैं। क्यों नहीं है? कि ये मूलतः आक्रमणकारियों के साथ आए, मगर जो ये धारणा है कि उर्दू लश्कर में बनी, ये बात सिरे से गलत है। उर्दू का लश्कर से कुछ लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये कुछ लफ्ज़ हैं, सबसे पहले हिंदी, फिर इसका नाम हुआ हिंदवी, फिर इसका नाम हुआ हिंदी, फिर इसका नाम हुआ देहलवी, गुजरी, दखनी, रेख्ता, इसी तर्तीब से ये नाम आते रहे हैं। उर्दू इनमें सबसे आखिर में आया है, हिंदवी और इसके बाद हिंदी पहले आया है। अमीर खुसरो ने ये सारे क्रम दिए हैं जो लिखित उल्लिखित हैं। मीर का पहले दीवान का शेर है 1752 का, गुफ्तगु रेख्ते में हमसे न कर, ये हमारी जबान है प्यारे। मैं जिन जो मेरे जद्दे अमजद हैं, मेरे पूर्व पुरुष हैं, जिनकी जिनके वंश का मैं सबसे गुलाम हूँ, हज़रत मुसफ़ी, उनका शेर है 1785 का, मुसफ़ी फ़ारसी को ताक पे रख, अब है अशारे हिंदवी का रिवाज। 1780 में कहते हैं, अलबत्ता मुसफ़ी को है रेख्ते में दावा, यानी कि है ज़बाँ दाँ उर्दू की वो ज़बाँ का। ज़बाँ और उर्दू दोनों एक साथ भाषा के लिए नहीं आ सकते। उर्दू का मतलब है फसील बंद शहर, किलाए मौला शाहजहाँबाद। उर्दू का अर्थ लश्कर की भाषा नहीं है, उर्दू का अर्थ किला है, उसके अंदर जो भाषा बोली जाती है उसको उर्दू कहा गया है। 1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय, ये इलाहाबाद में रहा है बहुत लंबे समय से, उसके बाद दिल्ली आया, दरबार में इस फारसी रही, ये वहाँ चूंकि पूरब में रहा था, इसको शौक था, इसने शायरी भी की है हिंदी में। उसकी जो किताब है अजायबुल कसस, उसकी उसमें दास्तान का नाम हिंदी लिखा है। ये स्क्रिप्ट इसकी देवनागरी है, माफ़ कीजिएगा, फारसी रस्मुल खत है, मगर इसकी भाषा को उसने खुद हिंदी लिखा है। यहाँ से हिंदी का चलन शुरू हुआ है। संस्कृत जानता था, हिंदी में शायरी करता था, और ज़बाने उर्दू मोल्ला
फारसी थी, उसकी जगह उसने हिंदी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। गिलक्रिस्ट ने 1796 में हिंदुस्तानी लैंग्वेज की ग्रामर किताब लिखी है, उसके चैप्टर 9 में शायरी के नमूने पेश किए, जिसके लिए उन्होंने मिलवा बोली लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ से जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, जिसे उर्दू कहते हैं, वो दोनों एक हैं। फिर बदलाव कैसे आ गया, क्यों आ गया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दो रस्ते बन गए? सख्त बातें हैं, कड़वी बातें हैं, करना तो पड़ेंगी। 1968 में फारूकी साहब, शमसुर्रहमान फारूकी, बहुत बड़ा आदमी है, अपनी तरह का अद्भुत आदमी है, उन्होंने एक पूरा लंबा चौड़ा इस सब्जेक्ट पे काम किया है, सबसे करीब का आदमी, एक हिंदू शायर उसे दिखाई नहीं दिया। सारा इतिहास उर्दू का लिख रहे हैं, सारे के सारे रद्द, सब कूड़े में शिकवा कर रहे हैं, वो मीर का नाम लेकर कह रहे हैं, अब बड़े बड़ी किताबों का जिक्र कर रहे हैं कि इसमें हिंदू शायर गायब है, मगर खुद भी गायब कर दिए। मैं शेर सुनाता हूं आपको। तरही मिसरे रखे जाते थे, उर्दू का एक रिवाज था कि हमने कोई पंक्ति तय कर दी, हम सब शायरी करेंगे। अंग्रेज का मुलाजिम मिसरा तरह का, इलाही खाना ये अंग्रेज गिरजा, देखिए जबान के खेल, इलाही अल्लाह, अंग्रेज का घर गिरजा है, इलाही खाना ये अंग्रेज गिरजा, ये गिरजा घर, ये गिरजा घर, ये गिरजा। ये जो छेड़ है, ये जो पत्थर मारने, ढेले मारने, उसका नतीजा है, उसके वजह से ये हुआ है। वहीं काफिर नहीं मुश्ताक जो इस्लाम के, जो इस्लाम के को प्रिय नहीं समझते वो काफिर हैं। इस मिस्र पे शायरी करनी है, एक बार नहीं हुआ, ये सदियां सदियां चलता रहा है, लगातार ये काम होता रहा है। शेख ने मस्जिद बना मिसमार बुतखाना किया, शेख ने मस्जिद बनाने के लिए मंदिर ढा दिया, इस पे शायरी करी है, ये सदियों सदियों काम चलता रहा। और ये वही नहीं, ये जो एक मिजाज था कि जो सरहद पार के आए हुए लोग हैं, जो इस मट्टी के नहीं हैं, जो ईरान से हैं या और कहीं कंट्रीज से हैं, उनके अलावा बकिया लोगों को किसी गिनती में नहीं रखना। शेर सुनिए, तरक्की खाक अब उर्दू करेगी, तरक्की खाक अब उर्दू करेगी, जुलाहे शायरी करने लगे हैं। जुलाहे मतलब हिंदुओं से कन्वर्टेड मुसलमान। गलत को तेज से लिख मारा, जुलाहा फिर जुलाहा है। इस कस्म की बेहूदगियाँ जब आप फैलाइएगा तो और क्या होगा, क्या क्या करेगा कोई। लगातार 1857 के बाद पहली स्क्रिप्ट देवनागरी में आई, उससे पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं है। 1857 में जो लोग राजा इकट्ठे हुए हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, उनकी जो पहली नोटिंग की गई है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है। मैं आपको दो तीन दोहे सुनाता हूँ, अद्भुत दोहे हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत इकबार। अद्भुत दोहा है, इस जैसा दोहा मुझे दूसरा नहीं दिखाई दिया। तो दोहा छोड़िए किसी अन्य भाषा में भी, अमी अमृत हलाहल विष मद भरे शराब, श्वेत श्याम रत्नार उनके वर्ण, श्वेत सफ़ेद रंग, जहर का अमृत का रंग, हलाहल उसका रंग श्याम काला, रत्नार शराब का रंग, जियत मरत झुक झुक परत, जिलाते हैं मारते हैं और नशे में कर देते हैं, जही चित एक बार, प्रेसी की आँखों की तारीफ है ये। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जही जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार। और किसका दोहा है, रसलीन का, फारसी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अब इसको हिंदी कहें या उर्दू कहें, कागा सबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दुइने नामत खाइयो पिया मिलन की आस, ये भी रसलीन है, हजरत लस रसलीन है। इसको हिंदी कहेंगे या उर्दू कहेंगे, ये फारसी रस्मुल खत में लिखा हुआ, जायसी का सारा साहित्य फारसी रस्मुल खत में लिखा, फिर ये उर्दू कैसे बन गया और हिंदी क्यों नहीं रहा? उसका कारण यही है कि जो ढेले फेंके गए लगातार, किसी ने कभी कहीं कोई एक खास मानसिकता,
फारसी और ये गिलक्रिस्ट 1798 में कहते हैं कि अंततः ये होगा कि हिंदू लोग स्वाभाविक रूप से हिंदवी की तरफ मुड़ेंगे और मुसलमान अनायासी फारसी और अरबी की तरफ झुकेंगे। इस तरह से ये दो शैलियां जन्म लेंगी। कोड़ में खाज ये पैदा हुई कि इस मुस्लिम मानसिकता को परवान देने का काम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया। हिंदुस्तान की तकसीम के लिए सारे काम ये लोग करते रहे। उर्दू से जुड़ गई, जो बड़े बड़े नाम हैं, कैफी आजमी, परले सिरे का लीगी, जो आज अब बाद में अपने आप को वामपंथी और ये सब कहता था, ये लोग, क्या शायर का नाम भूल गया, ऐगम दिल क्या करूं, है वशत दिल क्या करूं, जिनका ये बहुत मशहूर, उसने पाकिस्तान का तराना लिखा है, अली सरदार जाफरी घोर लीगी थे। सारी चीज़ें छिपा दी जाती हैं। अब ये सब कम्युनिस्ट मन बना कर लीपोत करके खड़े हो जाते हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की पूज्य मातृभूमि के विभाजन के लिए सारे काम किए। अलीगढ़ के स्टूडेंट्स, अलीगढ़ के प्रोफेसर सारे भारत में घूमते थे, लोगों को उकसाते हुए निकलते थे कि हिंदुस्तान की तकसीम करनी है। इसका नतीजा करोड़ों लोगों के बेघर हो जाने में, लाखों लोगों के मारे जाने में, तहजीबी तौर पर हर सारी बर्बादियां आ जाने में, ये इसी कारण हुआ कि ये जो जहरीली मानसिकता थी कि तुम काफिर हो, हम अहले ईमान हैं, ये जो मानसिकता थी वो उर्दू के दो फाड़ हो जाने की वजह थी। हिंदवी हिंदी पहले थी, उर्दू बाद में नाम आया, मगर इस काम को करने के लिए जो आवश्यक काम था कि ये बात समझते कि हम इस धरती के हैं, इस मट्टी के हैं। आखिर ताहिर गोरा समझ सकते हैं, आरिफ अजाके समझ सकते हैं, उन्होंने एक मज़ेदार बात कही कि हम अपनी कश्तियाँ जला आए। तारिक बिन ज़ियाद ने जब स्पेन पे हमला किया था तो हमला करने के बाद जब वो किनारे पर उतर गया तो उसने कश्तियाँ जलवा दी कि पीछे लौटने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, अब जो होगा होगा, मारे जाएंगे तो और जीत जाएंगे स्पेन को तो हम यही रहेंगे। तो ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अपनी कश्तियाँ जला दी कि भाई हम धर्म के हैं, इसी धरती के, इसी मट्टी के हैं, तो बाकी क्यों नहीं हो सकते, क्या वजह है इसकी। ये जो जहर भरा मानसिकता, और वो मानसिकता ख़त्म नहीं हुई, मैं चाह रहा था कि मुझे ये सब्जेक्ट मिलता जिसकी जिसका मैं मास्टर हूँ, जिसका मैं बिल्कुल कच्ची एक काप, क्या कहेंगे उसको, सबसे बेसिक क्लास क्या होती है, किंडरगार्टन का छात्र हूँ, उस वो सब्जेक्ट मुझे दे दिया गया। बहरहाल 1850 के आसपास फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत विवादास्पद मामला ये आएगा तो मेरे भारत जाके बहुत जूते पड़ने वाले हैं मगर सच तो यही है, क्या किया जाए। लल्लू लाल की प्रेम सागर, चंद्रकांता संतति, ये तीन किताबें थीं जिन किताबों ने मानस बदला, चूंकि इनमें ललक थी पढ़ने की और इसको पुराना साबित करना था, क्या करते, क्या कारण है कि 1900 से पहला हिंदी का कुछ साहित्य उपलब्ध नहीं है, कोई माई का लाल नहीं बता सकता, तो पुराना करने के लिए जो आंचलिक भाषाएं थी हमारी, ये भाषाएं बोली नहीं है, ब्रज भाषा उसे हिंदी में घुसेड़ दिया, अवधि उसको हिंदी में डाल दिया, तुलसीदास की रामचरितमानस हिंदी किधर से है भाई, इन भाषाओं के अपने क्रियापद हैं, इनके आचार्य हैं, इनके काल हैं, इनका साहित्य है, और क्रियापद ऐसी चीज है, जैसे मैंने तर्जुमे किए हैं कुछ बड़ी किताबों के, मुश्ताक अहमद यूसुफी पाकिस्तान के बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी दो चार किताबें हैं, आबे गुम, सरगुजश्त, हाकम बदहन, चराग तले, इन चारों किताबों का मैंने अनुवाद किया, बहुत आसानी से कर पाया मैं, कारण क्रियापद एक हैं, बासी रोटी खाई या नाने शबीना खाई, बात एक ही, खाई क्रियापद है, अगर क्रियापद एक हैं, वर्ब्स एक हैं, तो हम आसानी से तर्जुमा कर सकते हैं, वरना नहीं हो सकता। तो ब्रज भाषा के जो क्रियापद हैं वो तो अवधि में आते ही नहीं, ये हिंदी में कहाँ से सम्मिलित हो गई, इस भाषा को अति पुराना बनाने के लिए ये सारे काम, नहीं तो चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रास हो, कल्याण की राजतरंगिणी का हिंदी से क्या लेने देना है, कोई आज का आचार्य संस्कृत बड़ा 30 मार्क का, हिंदी का कोई बड़ा आचार्य उनके अर्थ करके तो बता दे। ये सारा का सारा जहर वहाँ से था कि तुम मुझ मेरे ढेला मारोगे तो फिर कहाँ तक, कितना बात चलती, कहाँ तक जाती। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खुद लिखा है, वो कहते हैं कि मेरी जाति, वो अपने लिखते हैं, और मेरे घर की औरतों की जबान उर्दू है,
मगर उन्होंने उर्दू की खिल्ली उड़ाने वाले आर्टिकल्स लिखे, उर्दू बेगम की मौत छपी है उनकी, उनका आर्टिकल छपा, ये सारे उन्होंने काम किए। वजह, और उसको हाथ हाथ लिया गया, वजह कि लोग तंग थे, कब तक काम करते। 1727 से 1786 मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, 1830 से 1910 की आब हयात बहुत मशहूर किताब है। केवल एक हिंदू शायर दयाशंकर नसीम, और वो भी नत्थी करते हुए किसी के साथ, डायरेक्ट नाम नहीं लिया, एक नाम नहीं लिया, और वो मशाहिर यानी जो प्रसिद्ध शायर हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, यानी जो इस किताब में नहीं हैं वो सारे प्रसिद्ध नहीं हैं। सर्वसुख दीवाना जैसे लोग 1727 से 1788 नाम गायब। अजय चंद भटनागर जी, खालिक बारी बहुत मशहूर चीज़ है, उर्दू वाले जानते हैं, वो गायब। टेकचंद बहार, जिन्होंने बहार आज़म लिखा, उनका कोई नाम नहीं। टीका राम तसल्ली, बुद्ध सिंह कलंदर, जसवंत सिंह परवाना, राजा कल्याण सिंह आशिक, राजा रामचंद, राजा राय किशनदास, वृंदावन खुशगो, कांजीमल समाज जैसे लोग सारे के सारे बेरुखी का शिकार हुए, किसी ने किसी को गिनती में नहीं रखा। मौलाना सैयद अहमद देलवी, फरंगे आसफिया 1901 की किताब है, कि छान फटक करते हुए हाल ही लिखते हैं, उर्दू लुगत लिखने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो लिखने वाला दिल्ली का हो, दूसरा शरीफ मुसलमान हो। तो साहब मैं भाड़ क्यों झोंकूंगा, आप मेरे सर पे पैर ही रखेंगे, मैं मुझे पापोशी समझेंगे, मुझे जूते उठाने वाला ही समझेंगे, तो साहब मैं क्यों खदमत करूँगा। इस मानसिकता, इस जहनीत का सबब है कि हिंदी अलग खड़ी हो गई, लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, वरना कोई वजह नहीं है। प्रेमचंद इतना बड़ा नाम, वो बेसिकली उर्दू का आदमी, हिंदी उसने एक दिन नहीं लिखी, सिंगल लाइन नहीं लिखी, वो है ही उर्दू के आदमी, मगर प्रेमचंद को अब जानने वाले लोग नहीं जानते कि वो ओरिजिनली उर्दू के आदमी हैं। ये सारा का सारा, रतननाथ सरसार, त्रिभुवननाथ हिज्र, दुर्गा सहाय शुरूर, ज्वाला प्रसाद बर्ख, विशन नारायण अब्र, विनायक प्रसाद तालिब, ब्रजनारायण चकबस, सूरज नारायण मेहर, शंकर दयाल फरहत, सारे के सारे लाइन से गायब। और ऐसा जब हुआ तो उसका नतीजा था, ये होना था, और इसका आखिरी शिकार खाकसार तुफैल चतुर्वेदी है। मैं अपनी उम्र के, जो अब तो सब सीनियर हो गए, 60 पार हो जाता है तो सठिया भी जाता है, सीनियर भी हो जाता है, आज काश वो होते फरत एहसास, मैं उनके बारे में उनसे कहता ये बात बताता। रेख्ता चलाते हैं, मेरी सबसे फटी चर चार गज़लें जो मैं रद्द करता हूँ वो वहाँ पर हैं, तो आप कीना रखिएगा दिल में, कलिख रखिएगा, कलांच रखिएगा, और फिर उम्मीद करें कि दूसरे आरती उतारते रहें। ये इश्क है, सर चढ़ के बोलता है, मेरे सर चढ़ के बोल रहा है, ये तकलीफ मेरी है, मगर शायर मैं गज़ल का ही हूँ, मुझे कोई हिंदी का शायर नहीं कह सकता, मैं गज़ल का ही आदमी हूँ। शेर सुनाता हूँ, 2-3-4 आज के, ये अब के पिछले 20 सालों के शेर हैं। हमें तू गजनवी का हौसला दे, हमें तू नवाज देवबंदी का शेर है, गजनवी का हौसला दे, मुसलसल हार से तंग आ गए हैं। जिस मुशायरे में शेर पढ़ा जाएगा और बड़ी जोरों से दाद आएगी, तो मैं अकेला नहीं रह जाऊंगा, मेरे जैसा दूसरा आदमी सहम के नहीं रह जाएगा कि हम कहाँ आ गए। गजनवी के नाम पर हौसला मांगा जा रहा है, गजनवी जैसा हौसला मांगा जा रहा है। असलम इलावादी, हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, पीपल के तले कोई दिखाई नहीं देता। खजूर की जड़ की आप चिंता करें, समझ में आती है, तकलीफ यह है कि पीपल नहीं कट रहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? राहत, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, तंज ये व्यंग, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा एक शेर है, उसे जरा सा तब्दील करते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा। फिर एक दिन हाथ धो बैठा वो हमसे, फिर एक दिन हाथ धो बैठा वो हमसे, उसे चस्का बहुत था बेरुखी का,